राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के सामने ही हंगामा हो गया। कल्ला के संबोधन के दौरान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने मंच पर जाकर प्राथमिक शिक्षा में उर्दू शिक्षक लगाने की मांग रखी। रेस्पॉन्स नहीं मिला तो सीट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना करवाने की मांग को लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। एकाएक हुए इस हंगामे से शिक्षा मंत्री कल्ला, राज्य मंत्री जाहिदा खान और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव चौंक गए। वहां मौजूद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी कार्यक्रम बिगड़ने के डर से खलबली मच गई। हंगामा बढ़ता देखा तो पुलिस ने कायम खानी को हिरासत में ले लिया और अशोकनगर थाने ले गई। समारोह जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सोमवार को आयोजित हुआ। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए मौजूदा सरकार में शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कही। इस बीच उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष कायम खानी ने हंगामा करते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2021 के बजट घोषणा के बावजूद प्राथमिक स्तर की उर्दू शिक्षा बहाल क्यों नहीं की गई है। सीएम ने कहा था कि किसी स्कूल में उर्दू के 20 बच्चे नामांकित होंगे यानी पढ़ना चाहेंगे तो उन प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के पद क्रिएट कर शिक्षक लगाए जाएंगे। फिर भी प्राथमिक स्कूलों में एक भी उर्दू शिक्षक नहीं लगाया गया है। पहली से पांचवी क्लास तक बच्चे उर्दू शिक्षा से दूर हैं, जबकि यह हमारी भाषा है। हंगामा बढ़ता देख उन्हें मौजूद लोग पकड़कर सभागार से बाहर ले गए। बाहर भी काफी देर तक कायम खानी हंगामा करते रहे। उन्होंने मंत्री कल्ला और ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार और माइनॉरिटी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए। यहां तक कहा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स संघी हैं।